Hey guys, welcome back, and guess where I am? It's a driver license test. और आज इधर ही आए थे driving license test के लिए. मैंने मेरे दोस्त भी आए थे, हम तीनों जन ने test दिया. और guess what? मैं pass हो गया. मेरा एक दोस्त अली है, वो pass हो गया. लेकिन unfortunately सुदर्श को नहीं मिला है. So here is my driving license test. ये है मेरा driving license. ये है temporary, ये permanent नहीं है. मुझे अभी तक test देना बाकी है driving license का, तो पक्का license आ जाएगा. दिस इज जस्ट अ टेस्ट वाला तो था जो अभी मैं पास आउट हो चुका हूँ. मी टेल यू प्रोसेस थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस था अपने इंडिया के हिसाब से. अगर इंडिया में आप लाइसेंस बनाना चाहते हो तो प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पहले टेस्ट जो कि रहता है ऑनलाइन पीसी के ऊपर. तो उसके बाद आपको मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस जो कि आपके साथ एक ड्राइविंग टेस्टर रहेगा, पर्सन रहेगा, और फिर वो आपको पक्का लाइसेंस देगा. अभी मेरे एक पड़ाव जो है पूरा हो चुका है, अभी सेकंड पड़ाव बाकी है, तो वो कभी और दिन दे दूंगा. अभी जस्ट मैं टेस्ट के लिए आया था. सो हियर इज़ द प्रोसेस. यहाँ पे पीछे पीसी देख सकते हो, गोप्रो है तो जूम नहीं कर सकता मैं, और अंदर जाके कैमरा यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ ऑफिशियल थिंग. इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने किया क्या, प्रोसीजर क्या रहती है यहाँ की. अंदर जैसे ही आप आते हो ऑफिस के अंदर, वहाँ पे आपको टिकट निकालना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए. एक बार आपको टोकन मिल गया, टिकट मिल गया, तो आप जाओगे वहाँ पे ऑफिसर्स के पास. वो लोग आपका आईडी लेंगे. आईडी यानी हम लोग का तो पासपोर्ट लिया, और जीवन वीज़ा के जितने भी चीज़ें थी हम लोग के पास, I-94, बाद में हम लोग का जीवन स्टेटस, तो वो हम लोग ने उनको दिखाया. एंड देन वी सिट फॉर द एग्ज़ाम. तो किसी के सामने हम लोग को पूछे गए कुछ 25 क्वेश्चंस पूछे गए. रोड सेफ्टी और रोड साइंस के ऊपर 25 क्वेश्चंस रहते हैं ड्राइविंग लॉ के हिसाब से. तो उसमें से आपको 25 क्वेश्चन में से आपको पास आउट के लिए ज़रूरी है 19 क्वेश्चंस, यानी कि 20 क्वेश्चंस आपको करेक्ट देने पड़ेंगे. 6 रॉन्ग हो गए यानी कि आप फेल. और ये एग्ज़ाम आप एक दिन में दो बार दे सकते हो. सेकेंड फर्स्ट टाइम इट्स फ्री, सेकेंड टाइम अगर आप देना चाहते हो तो आपको देने पड़ेंगे $11. सो मैं पास आउट हो चुका हूँ सेकेंड टाइम में, और हर टाइम अलग अलग क्वेश्चन आते, तो सेकेंड टाइम थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा ईजी था. तो लकी था मैं कि ये मिल गया. अभी चलाना है अपने को गाड़ी और लेना है पक्का वाला लाइसेंस, ताकि एक और एक एक्स्ट्रा आईडी हो जाएगा मेरा स्टेट का. इसका ड्राइविंग लाइसेंस का जो वैलिडिटी रहता है कुछ 3 साल का रहता है. तो एक अच्छी बात है, मुझे एक US का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मिल जाएगा. वहाँ पे पीछे था वो लाइसेंस के लिए था, और यहाँ पे है ड्राइविंग स्कूल जहाँ पे ड्राइविंग सिखाते आपको. सो राइट नाउ आई एम एट रॉस मॉल जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए आए थे. मेरे दोस्त पहले भाग गए आगे, सो आई गॉट सिलेक्टेड. बहुत खुश हुआ आज मैं. चलो अभी इनको ढूंढते. पक्का कटा जा रहा है मेरा आज. अभी तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का वो ये मिला है, टेम्प्ररी वाला मिला है. फिर भी यहाँ पे क्या क्या भरा रहे, 10 मैक्सिकन, 10 बड़े वाले फ्रेंच फ्राइज. पक्का काटने वाले लोग. हाँ दे रहा हूँ पैसा, दे रहा हूँ डॉलर. पैसा नहीं, डॉलर चाहिए. बस बात है भाई, ये सब पूरा ऐसा मजा करेंगे लोग. मुझे आए थे कुछ 11 करेक्ट आए थे मेरे, 25 और सेकंड में से 25 में से मुझे मिले कुछ 21. सेकंड में मेरा एनर्जी था 84%. लो भाई लो, खाना खाओ. किचन लाने गई क्यों? एक ऐसे लूटा जाता है यहाँ पे. चलो भाई, मैकडी के सस्ते प्लान ने मुझे बचा दिया बड़े पॉकेट को होल गिराने से. ऑलमोस्ट कुछ $1 का एक बर्गर आता है और काफ़ी अच्छा रहता है. हर एक के हिस्से में दो दो बर्गर आए, $30 के अंदर काम हो गया. मेरा वॉलेट भी बच गया खर्चा होने से. इन लोग को पार्टी भी मिल गई, समाधान भी हो गया इन लोग का. काफ़ी अच्छे मिलते हैं. एंड थैंक्स टू मैकडी फॉर देयर प्लान्स कि $1 में इतना अच्छा खासा बर्गर हम लोग खा सकते. सो लाइसेंस पे फोटो काफ़ी अच्छी आई है मेरी. वैसे ये भी फिलहाल तो कच्चा लाइसेंस है, तो इसको आईडी के पर्पस पे दिखाने का मतलब नहीं बनता है. स्पेसिफिकली लिखा है कि आप वोटिंग पर्पस और काइंड ऑफ आईडी के तौर पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, और ये टेम्परेरी अवेलेबल है ओनली फॉर लाइक 1 मंथ कुछ तो है इसका. तो अभी तक पक्का लाइसेंस आने तक मुझे वेट करना पड़ेगा, और आज शाम को मुझे जाना है पार्टी के लिए. बहुत छोटा सा ही ब्लॉग था ये, मुझे अभी तैयारी करनी है. पहले थोड़ा सा सो लूँगा आज अच्छे खासे, और फिर बाद में जाएंगे हम आज हमारे मैनेजर के घर पे पार्टी के लिए. सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको रूबरू करा ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के बारे में, और मैं भी खुद कुछ नया जान गया कि यहाँ पे ड्राइविंग सीन कैसा रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सीन क्या रहता है. इंडिया से काफ़ी चेंज है, सेम टू सेम इंडिया की तरह नहीं है. यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस है, और यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं
वहाँ पे इन दो का अलग अलग प्रोसीजर, जहाँ पे यहाँ पे 25 पूछे थे तो कहीं और जाऊँगा तो मुझे शायद से 40 या 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हर एक स्टेट का अलग 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 रूल है यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए जो मैंने दिए थे MCQ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। अभी जैसे हम लोग पार्टी से हम लोग गए थे, हम लोग के मैनेजर के घर पे गए थे, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ आज और पेट भी अभी फुल है अभी मेरा। जस्ट अभी ये करूँगा मैं एडिटिंग इस वीडियो का और आपके लिए पेश करूँगा। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।